कार्ल डेंकर का जन्म 1870 में ओबाकन्ज़नडॉर्फ लोअर सिलेजिया में हुआ, जो कि उस समय किंगडम ऑफ प्रशिया का पार्ट था। उसकी शुरुआती लाइफ के बारे में बस इतना ही पता है कि वो स्कूल में अच्छा नहीं था और उसकी फैमिली मंस्टरबर्ग शिफ्ट हो गई थी जब वो सिर्फ 10 साल का था। वो वहाँ सेटल नहीं हो पाया और 12 साल की उम्र में घर से भाग गया। सर्वाइवल के लिए उसने गार्डनिंग का काम करना शुरू कर दिया। कार्ल लोगों से ज़्यादा घुलता मिलता नहीं था, वो अकेला रहना ज़्यादा पसंद करता था। जब वो 25 साल का हुआ तब उसके पिता की मौत हो गई। उसके बड़े भाई को उनका फैमिली फार्म दे दिया गया और कार्ल को अपनी ज़मीन खरीदने के लिए पैसे मिले। कार्ल ने फार्मिंग के लिए ज़मीन खरीदी पर वो काम कुछ खास चल नहीं पाया, इसीलिए उसने फार्म बेचकर एक घर खरीद लिया ताकि वो किराए पर कमरे दे सके। पर मंदी के चलते उसे वो घर बेचना पड़ा, लेकिन उसने ग्राउंड फ्लोर पर अपने लिए काफ़ी बड़े बैकयार्ड और एक शेड वाला अपार्टमेंट बचा लिया। 1922 में वर्ल्ड वॉर के दौरान उसने मीट बेचने का काम शुरू किया। वो उस तंगी के दौरान भी फ्रेश और अच्छी क्वालिटी का मीट, लेदर से बनी बेल्ट्स और बढ़िया कपड़े बहुत कम रेट पर बेचता था। लोगों को लगता था कि ये सब ब्लैक मार्केट से आता है। वो डेंकर की बहुत इज्जत करते थे क्योंकि इतनी मुश्किल के समय में वो उनके परिवार को भूखा मरने से बचा रहा था। इसके अलावा वो चर्च और चैरिटी के कामों में हमेशा इन्वॉल्व रहता था। वो उस सोसाइटी का बहुत ही इज्जतदार आदमी था। कार्ल डेंकर की पहली विक्टिम आइडा लॉनर थी, जिसे उसने 1903 में मारा था। उसके 6 साल बाद उसकी कन्फर्म्ड विक्टिम एमा सैंडर बनी। एमा के मर्डर के लिए एडवर्ड ट्रॉटमैन नाम के आदमी को 12 साल की सज़ा मिली। एडवर्ड के नाम को उस समय साफ कर दिया गया जब असली सच सबके सामने आया। पर दुख की बात यह है कि 1903 से 1924 में कार्ल के अरेस्ट तक उसके ऊपर किसी को एक भी बार शक नहीं हुआ और इसका फ़ायदा उठाकर वो लोगों को मारता रहा। पुलिस के मुताबिक कार्ल ने 31 आदमी और औरतों को मारा था, पर असली मर्डर काउंट का अंदाज़ा लगाना नामुमकिन है। 1924 में क्रिसमस के कुछ पहले एक भूखा भिखारी विंसेंस ओलिवर कार्ल के हमले से बचकर भाग गया, जिस पर कार्ल ने कुल्हाड़ी से खाना खिलाने के बाद हमला किया था, जिससे उसके सर पर चोट आई थी। पर कार्ल ने अपने बचाव में पुलिस को बताया कि विंसेंस उसे लूटने की कोशिश कर रहा था और कार्ल बस अपना बचाव कर रहा था। जब पुलिस ने कार्ल के घर की तलाशी लेने के लिए बोला तब कार्ल डर गया और उसने जेल में अपनी लेदर बेल्ट से फांसी लगाकर सुसाइड कर ली। इससे पुलिस को शॉक लगा और उनकी दिलचस्पी कार्ल के अपार्टमेंट में और भी बढ़ गई। जब पुलिस वहां पहुंची तब उन्हें दरवाजे से ही बहुत बुरी स्मेल आनी शुरू हो गई। आसपास के लोगों को ये स्मेल सालों से आती थी, पर क्योंकि कार्ल मीट बेचने से पहले उसे घर में प्रिपेयर करता था, इसीलिए उन्होंने इस स्मेल को एक्सेप्ट कर लिया था। जब पुलिस घर के अंदर गई तब वहाँ का सीन उनके रोंगटे खड़े कर देने वाला था और कुछ भी उन्हें वो सब देखने के लिए तैयार नहीं कर सकता था। वहाँ उन्हें बहुत सारे चीनी मिट्टी और टिन के बर्तन पिकल्ड ह्यूमन मीट से भरे मिले। इंसानी हड्डियाँ टेबल पर रखी थी जिनसे नसें अभी भी चिपकी हुई थी। दीवारों पर दर्जनों ह्यूमन स्किन से बने बेल्ट्स और शू लेसेस टंगे हुए थे। अलमारियाँ खून से सने कपड़ों से भरी हुई थी। वहाँ कुछ भी बर्बाद नहीं किया गया था। बालों का इस्तेमाल शू लेसेस बनाने में किया गया था। बॉडी फैट को जार्स में भरकर स्टोर किया गया था ताकि मिंस्टरबर्ग के लोग उसे कुकिंग ऑयल की जगह यूज़ कर सकें। पुलिस को वहाँ बॉडी पार्ट से भरे ड्रम भी मिले जिन्हें नमक लगाकर प्रिजर्व किया गया था। वहाँ एक साबुन बनाने वाली मशीन भी थी। उसके और भी विक्टिम्स के बॉडी पार्ट्स कई सालों तक मिलते रहे, कुछ उसके घर में, कुछ शेड में, कुछ तालाब में और कुछ पास के जंगल में। पुलिस को डेंकर के घर से टोटल 351 दांतों का कलेक्शन मिला। उसने अपने विक्टिम्स के नाम और मारने का तरीका एक नोटबुक में लिखा हुआ था। उसके किसी भी विक्टिम को सेक्सुअली असॉल्ट नहीं किया गया था। वहाँ के लोग डेंकर को एसेक्सुअल मानते थे क्योंकि वो कभी भी किसी आदमी या औरत में इंटरेस्ट नहीं दिखाता था।
उनके मुताबिक वो एक शांत स्वभाव का आदमी था, पर उसे खाना बहुत पसंद था। वो एक ही टाइम में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मीट खा जाता था। पुलिस ने इसका ये कंक्लूजन निकाला कि ये सब मर्डर सिर्फ खाने और पैसों का एक सोर्स थे। इस पूरी घटना के बाद बस एक सवाल जहन में रह जाता है कि सच्चाई जानने के बाद मिंस्टरबर्ग के लोगों का क्या रिएक्शन होगा। उन्हें कार्ल पर गुस्सा आया होगा या खुद से घिन, क्योंकि कहीं ना कहीं इन सब मर्डर्स का कारण वो लोग भी थे जिन्होंने सस्ते मीट और सामान के लालच में ये जानने तक की कोशिश नहीं की कि वो कहां से आ रहा है।